दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से मैदान पर उतरे ये 11 खिलाड़ी आज का मुकाबला जीतकर टीम इंडिया करेगी सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला जा रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में कौन सी प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतर रही है और साथ ही आप इस मुकाबले को किस तरह से पूरी तरह से फ्री में लाइव देख सकेंगे, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीते तो कर दीजिए वीडियो को दिल से एक लाइक, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में टीम इंडिया अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो फिर वो पाकिस्तान के बराबर आ जाएगी, यानी कि टीम इंडिया लगातार 8 T20 इंटरनेशनल मुकाबले जीत जाएगी। ऐसा करने वाली टीमें इंग्लैंड, आयरलैंड और पाकिस्तान हैं, तो भारतीय टीम भी इनकी बराबरी पर आ जाएगी। हालांकि सबसे ज़्यादा लगातार मुकाबले जीतने वाली टीम अफगानिस्तान की टीम है, जिन्होंने अब तक 12 T20 मुकाबले लगातार जीते हैं। वहीं पर दोस्तों, टीम इंडिया अगर आज का मुकाबला विंडीज़ के खिलाफ जीतती है तो लगातार 4th सीरीज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टीम इंडिया जीत जाएगी T20 की। 2018-19 में टीम इंडिया ने 3 मुकाबलों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, तो इसके बाद 2019 की सीरीज में भी टीम इंडिया ने एक बार फिर क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद 2019-20 में हुई 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की थी, और अगर आज के मुकाबले में टीम इंडिया जीत दर्ज कर लेती है तो फिर यहाँ पर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना लेगी और एक बार फिर क्लीन स्वीप के लिए अपने कदम आगे बढ़ा देगी। वहीं पर दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले के लिए आखिरकार कौन कौन से बदलाव टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की टीम में होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की टीम की प्लेइंग 11 की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस मुकाबले को आप किस तरह से लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों, आप इस मुकाबले को स्टार्ट स्पोर्ट पर देख सकते हैं, तो साथ ही साथ आप मोबाइल में इसे डिजनी प्लस हॉटस्टार पर, इसके अलावा जियो टीवी पर देख सकेंगे। तो वहीं पर आप इसे DD स्पोर्ट्स पर भी लाइव देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हमें इस मुकाबले में ओपनिंग करते हुए दिखेंगे ब्रेंडन किंग, तो उनके साथ होंगे काइली मेयर्स। दोनों काफ़ी शानदार शुरुआत दिला सकते हैं। पिछले मुकाबले में भी काइल मेयर्स ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया था, तो वहीं पर ब्रेंडन किंग भी अच्छे T20 प्लेयर हैं, तो यहाँ पर वो शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, टीम की तरफ से नंबर 3 पर निकोलस पूरन उतरेंगे, जो कि इस टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज रहेंगे और पिछले मुकाबले में शानदार 68 की पारी खेली थी इन्होंने। तो वहीं पर नंबर 4 पर विस्फोटक बल्लेबाज रोमन पावेल उतरेंगे, इनसे भी टीम को शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद नंबर 5 की हम बात करें तो यहां पर कायरन पोलार्ड हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि इस टीम के कप्तान हैं। तो वहीं पर नंबर 6 पर हमें जेसन होल्डर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इसके बाद नंबर 7 पर हमें रोस्टन चेज खेलते हुए दिखेंगे, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 8 पर रोमारियो सेपर्ड, नंबर 9 पर अकील हुसैन, नंबर 10 पर ओडियन समित और नंबर 11 पर सेल्डन कोटरेल हमें खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर हमें खेलते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा और ईशान किशन इस टीम की ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। दोनों से यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। तो वहीं पर नंबर 3 पर विराट कोहली उतरेंगे, जिनकी फॉर्म की टीम इंडिया को चिंता जरूर है, लेकिन वो इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 4 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो नंबर 5 पर हमें सूर्य कुमार यादव दिखेंगे। इसके बाद नंबर 6 पर हमें वेंकटेश अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर दोस्तों, गेंदबाजी में हम नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर दीपक चहर दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 8 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे भुवनेश्वर कुमार। तो नंबर 9 पर रवि बिश्नोई हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 10 पर हर्षल पटेल और नंबर 11 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे यजुवेंद्र चहल। यानी कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहे, या हमने यूँ कहें कि हम टीम इंडिया सेम प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।